एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, कालू सिंह महारा कौन थे, अरुणा असफ अली कौन थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म RRRR के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए है एक गुड न्यूज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। कल की ही बात है, हम सब मिलकर देश की आजादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। इंडिया पूरी तरह से हमारे वीरों को नमन करने में लगी हुई थी। लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। कुछ ऐसे वीर हैं जिनकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक और गरीबी में हुई थी। आज के डेट में हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं। हम ऐसा दिखाते तो हैं कि हम अपने वीरों को बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज हम इन लोगों को सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर जैसे दिनों को ही याद करते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों पर तो नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप आज के यूथ से दूसरे किसी भी फ्रीडम फाइटर का नाम पूछ के देखिएगा, वो नहीं बता पाएंगे। मेरी बातों को लेकिन आप दिल से ना लगाइएगा। बस यही आशा करती हूँ कि आज के यूथ भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स और रियल लाइफ हीरोज के बारे में जानने के लिए बेताब रहे और उन कहानियों को अपनी लाइफ में एक लेसन की तरह याद रखे और मुसीबत के समय उसे मदद ले सके। आज हम ऐसे ही हमारे फ्रीडम फाइटर के बारे में बताने जा रहे हैं। कालू सिंह महारा एक कुमाऊनी लीडर थे जिन्होंने 1857 के इंडियन रेबेलियन में पार्ट लिया था। वो एक उत्तराखंड के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने एक कैंपेन को स्टार्ट किया था जिसका नाम क्रांतिवीर था। वो एक रियल हीरो थे उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन के लिए। अरुणा असफ अली एक इंडियन एजुकेटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पब्लिशर थी। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। उन्हें मोस्टली उनके थ्रू हुए फ्लैग होस्टिंग के लिए जाना जाता है, जो कि ग्वालिया टैंक मैदान बॉम्बे में 1942 में हुआ था, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पॉलिटिक्स में भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव रही और यही रीजन था कि उन्हें दिल्ली की पहली मेयर बनाया गया। ऐसे ही SS राजामौली भी अपनी फिल्म के हेल्प से हमें हमारे देश के और भी कई वीर सेनानी की कहानी को जानने और देखने का मौका देते हैं। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया और ये बताया कि हमें हमारे देश के वीरों को हमेशा ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसी ही फिल्म RRR की सीक्वल बन रही है जिसका टाइटल RRRR है। इस फिल्म में भी हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे कल्चर और ब्रदरहुड के बारे में और ज्यादा करीब से जानने को मिलने वाला है। आपको क्या लगता है, इस फिल्म के दूसरे पार्ट में क्या डायरेक्टर SS राजामौली फिर से किसी नए बॉलीवुड एक्टर को साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। फिल्म RRRR RRR से भी ज्यादा बड़े लेवल पर बनने वाली है, क्योंकि ये भी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। अब देखना ये है कि क्या फिल्म RRR के जैसे ही ये फिल्म अपना दबदबा कायम कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।